अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास आगरा इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन उसको हम कैसे रीड करते हैं, जो स्पेक्ट्रम्स आते हैं उससे हम कैसे यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी कि उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो बेसिकली दो तरह के स्पेक्ट्रम्स एग्जिस्ट करते हैं। एक को हमने कहा था कि ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम, एक डायरेक्ट स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। ये वाला जो स्पेक्ट्रम आपको इस वक्त नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये वाला, इसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट स्पेक्ट्रम। यानी इस स्पेक्ट्रम में इसके एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी मेंशन होती है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन आप अगर ये देखें तो इसमें बहुत ज्यादा रीजन ऐसा है कि जो कि इसमें कोई पीक वाजी नहीं हो रही। ये आल दो एक पीक नजर आ रही है, एक पीक हमें ये नजर आ रही है, इस तरह की ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, यहाँ भी कोई नजर आ रही है, लेकिन हमें बहुत वाजी कोई नजर नहीं आ रही इस स्पेक्ट्रम के अंदर। अब इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ नजर नहीं आ रही तो हम वैसे गैस लगाएंगे जो कि एक्सपेरिमेंट, जो कि साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि इसमें एरर के चांसेस होंगे। इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए मैथ हमारे काम को आसान कर देता है और मैथ ये कहता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने मेंशन की हुई हैं वाई एक्सिस के ऊपर, इनको अगर ये जो डी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, डी एन, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन है, इसका डेरिवेटिव ले लें किससे, डी ई से। यानी अगर आप एनर्जी के साथ इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर अगर कोई पीक हुई ना एग्जिस्ट करती हुई तो वो बहुत ज़्यादा शार्प कर्व ले लेगी, शेप ले लेगी। तो इस डायरेक्ट फॉर्म को हम ज़्यादा इतना अप्रिशिएट नहीं करते ड्यूरिंग टेकिंग आवर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इस वजह से हम इसके ऊपर सारे क्रॉस लगा रहे हैं। हम चलते हैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की तरफ जो कि हम डेरिवेटिव लेके करते हैं। तो वो क्या है, वो ये है, देखिए फॉर्म ये ऊपर वाली आपने देखी हुई है ना कर्व, तो हमने क्या किया, सिर्फ इसका अगर डेरिवेटिव लिया, इसका जब डेरिवेटिव लिया तो बहुत सारी पीक्स यहाँ पर ये वाजे होना शुरू होगी। यानी इस ओ यहाँ पर आपको अभी इस कर्व के अगर ऊपर जाएं तो ये थी, यहाँ पर आपको सिर्फ एक कर्व नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पर ये बहुत वाजे नजर आना शुरू होगी। सिमिलरली यहाँ पर आपको कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर एक कर्व जिससे नाइट्रोजन के साथ हमने किया हुआ है कि नाइट्रोजन आ रही है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर क्योंकि कर्व एग्जिस्ट करती थी लेकिन यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा था। सिमिलरली इस रीजन को अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कितना वाजे कोई चीज़ नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो कितनी शार्प पीक्स मिल रही। इस वजह से ये जो डिफरेंशियल फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती है, तो हम इसे ही रीड करते हैं। अब जैसे ही हमारे पास आगर स्पेक्ट्रम आ जाता है तो हम उसे कैसे रीड करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो पीक्स हैं डिफरेंशियल फॉर्म की पीक्स ये शार्प होती हैं, तो हमें ये लेट्स सपोज हम कौन सी पीक लेते हैं, ये वाली लेते हैं, ये हमें पीक मिल रही है एक, और इस पीक को ना इसे हम यहाँ से एक लाइन लगाते हैं नीचे, यहाँ पर लाइन नीचे लगाई तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट नजर आया, इस पॉइंट ने हमें नीचे काइनेटिक एनर्जी दी तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी। इन 400 और 600 के दरमियान है तो लेट्स सपोज ये काइनेटिक एनर्जी 500 है, 500 ठीक है, हमने इस 500 को ले लिया। अब ये वाली जो 500 एनर्जी है, हमने कहा कि हमने एक सैंपल को टेस्ट किया और उसके टेस्ट नतीजे में हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आया वो ये था, उसमें एक पीक है जिसकी एनर्जी 500 है, उस सैंपल की ये जो काइनेटिक एनर्जी है किसी आगे इलेक्ट्रॉन की ये किसकी है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल होता है, उस स्टैंडर्ड टेबल के अंदर ये मेंशन होता है कि कौन से एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी ये वाली जो एनर्जी है ये स्पेसिफिक टू है फॉर स्पेसिफिक है फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, जिसे हम कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट, करेक्टरिस्टिक्स अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन ऑफ सम एलिमेंट। जब हम उस टेबल में जाते हैं और इस एनर्जी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है ये तो ऑक्सीजन के अगर इलेक्ट्रॉन की है, तो हमने इस पीक को कह दिया कि ये ऑक्सीजन की पीक है, और इससे हमने इन्फॉर्मेशन ये निकाल ली कि ये वाला जो एलिमेंट, ये जो सैंपल था उसमें ऑक्सीजन मौजूद है। सिमिलरली ये वाली जो एनर्जी आ रही है, ये वाली एनर्जी लेट्स सपोज ये 200 से पहले आ रही है, तो हम कहते हैं कि ये वाली जो एनर्जी है ये 180 है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसकी अभी बात करूँ, बल्कि इसे सबको मिटा देते हैं, ये वाली अगर हम इसकी बात करें तो अब ये वाली जो एनर्जी है ये वाली, ये अगर हम इसे लाइन ड्रा करें तो ये 200 से नीचे आ रही है, तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये 190 है या 200 है, 190 अज्यूम कर रहे हैं। अब हमने कहा कि हमने सैंपल को टेस्ट किया, 190 पे अगर इलेक्ट्रॉन की पीक आ रही है, ये किस एलिमेंट की है, तो हमने उस स्टैंडर्ड टेबल के अंदर जाकर देखा काइनेटिक एनर्जी को, और वहाँ पर हमें ये 190 पे नजर आया जो एलिमेंट वो क्लोरीन है, तो हमने कहा कि ये एलिमेंट जो है ये जो पीक है ये क्लोरीन की है, और इस जो सैंपल हमने टेस्ट किया उसमें क्लोरीन जो है ये मौजूद है। तो हम इस तरह रीड करते हैं कोई भी सैंपल हो हमारे पास, कोई भी हमारे पास स्पेक्ट्रम हो, तो हमें रीड करने का तरीका कार्य है। अब ये कहता है कि हमारे पास जो भी अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम होता है, ईच एलिमेंट हैज अ सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक पोजीशंस, करेक्टरिस्टिक पीक पोजीशन, ये वाली बात मैं कह रहा था कि हर एक की करेक्टरिस्टिक पोजीशन होती है, तो और वो स्पेसिफिक होती है, एक पोजीशन किसी एक एलिमेंट के लिए हो सकती है, यानी ऐसे नहीं है कि एक पोजीशन लेट्स सपोज 500 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर काइनेटिक एनर्जी है तो ऐसे नहीं है कि वो एक से ज्यादा एलिमेंट की होगी, वो बल्कि एक ही एलिमेंट की होगी, और वो अगर ऑक्सीजन के लिए स्पेसिफिक है तो वो ऑक्सीजन की ही है, ऐसे नहीं है कि 500 के इलेक्ट्रो के ईवी पे कोई और एलिमेंट भी हमें अगर पीक देगा, ऐसे नहीं होगा। और ये कहता है कि यूजुअली मेजर्ड एज द फर्स्ट मेजर मिनिमम दैट सर्वाइज अगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम फिंगरप्रिंट्स, ये जिस तरह हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं और वो फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, इस तरह अगर स्पेक्ट्रम में ये जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज लाइक अ फिंगरप्रिंट्स ऑफ एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होती हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो, सॉरी मैं के ई वी कह रहा था, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं होती, तो ये 272 है, नाइट्रोजन की 379 है और ऑक्सीजन की 503 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इसके नतीजे में यानी हम ये कह रहे हैं कि हम इस तरह अगर वो करें
आगर स्पेक्ट्रम को हम रीड कैसे करते हैं। तो ये वो सारी बात थी कि ये काइनेटिक एनर्जी से हम ये करते हैं और वो उनकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि ये जो पीक शिफ्ट होता है, यानी कोई पीक आगे चली गई या कोई पीक पीछे चली गई, क्यों होती है और ये पीक शिफ्ट से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।